नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी अनुमंडल के अधिवक्ता संघ में चुनाव प्रभारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। आप सभी को पता है कि बीते दिनों अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें जो प्रत्याशी जीत दर्ज किया था उस प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देने हेतु संघ ने एक आयोजन किया और इस आयोजन में सभी जीते हुए प्रत्याशी को संघ के ओर से चुनाव प्रभारी के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण किया गया। आइए देखते हैं महासचिव का वाणी और अध्यक्ष की जुबानी क्या कुछ कहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। और निर्वाचन पदाधिकारीगण, नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं अन्य पदों पर निर्वाचित हमारे कलीग अधिवक्तागण, उपस्थित अधिवक्तागण, अभी वर्ष 2024-26 के लिए हम लोगों का चुनाव हुआ है। मैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सबसे पहले चुनाव पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और अपने सभी अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण मतदान में भाग लिया। संघ का चुनाव, ये चुनाव जो है हर दो वर्ष पर होता है, हम सभी जानते हैं। और इस बार चूँकि दो टर्म में अध्यक्ष पद पर रह चुका था, इसलिए महासचिव पद पर पुनः चुना गया हूँ। संघ हित में काम आज से नहीं पूर्व से करते आ रहे हैं और आगे भी संघ हित और अधिवक्ताओं के हित में हम काम करते रहेंगे, ये तो विश्वास है, दिलाना ही है, दिलाते ही हैं और करेंगे भी। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे पद पर चुनाव लड़े हैं, जिन पद पर चुनाव हुआ है या जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु चुनाव लड़े हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि हम लोग एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के चल के विकास के लिए सोचें। संघीय चुनाव तो हर दो साल पर होगा, हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। ये चुनाव इसी तरह होगा, कभी हम बनेंगे, कभी आप बनेंगे, कभी कोई और बनेगा। इससे आपसी भेदभाव हम लोगों को भीतर में नहीं रखना चाहिए और संघीय विकास में जितना सहयोग हो सके करने की कृपा की जाए। हम जो भी काम करेंगे अपने अधिवक्ताओं की राय से, अपने कार्यकारिणी सदस्यों जो हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं उनकी राय से ही हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे तो अभी कोई नया काम है भी नहीं, लेकिन फिर भी आगे आम बैठक होगी या कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसको सब सम्मति से हम लोग करेंगे, यही हमारा काम। आज के शपथ ग्रहण के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया चैनल जो यहाँ पर उपस्थित होकर यह कवरेज कर रहे हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। आज का जो यह अधिवक्ता संघ बनमनखी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है, बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पर संपन्न कराया गया है। इस अवसर पर मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूँ कि विगत मैं दो सत्र से अपने अधिवक्ता संघ बनमनखी के तहत महासचिव के पद पर मैं कार्य किया हूँ और इस बार मुझे यहाँ के महान अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद पर अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है। इसके लिए मैं अपने संघ के तमाम अधिवक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब रही अधिवक्ता संघ के कार्य के संबंध में, तो मैं स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद के जो भी कार्य होंगे मैं उसको अच्छी तरह से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक और निष्पक्ष भाव से मैं अपना कार्य को संपन्न करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं और जो भी मनोनीत किए जाएंगे सबों से मिलकर
और यहाँ के अधिवक्ताओं का भी सहयोग लेकर संघ विकास हित में जितना अच्छा से अच्छा कार्य होगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। और यही हमारी खास करके मंशा भी है कि मैंने 2 सत्र महासचिव का निर्वहन किया हूँ पद का, और अब मुझे पुनः अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए चुना है, तो उसके लिए मैं जो अध्यक्ष पद का जो कर्तव्य होगा मैं उसके सौहृदय मैं पालन करूँगा और स्वेच्छापूर्वक करूँगा। मेरा नाम हुआ विपेंद्र कुमार शाह, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके हिसाब से इस बार का जो शपथ ग्रहण हुआ वो किस तरीके से रहा? हर साल के भांति ये साल में अधिवक्ता संघ का जो अभी की समारोह हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, और उम्मीद है कि हर साल भी इस तरह से ही बेहतरीन तरीके से सबका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। आज का जो चुनाव हुई, चुनाव का जो परिणाम घोषित करते हुए सबका अध्यक्ष पद, सचिव पद, सबके पद का सभी को सर्टिफिकेट दिया गया। सभी जीतने वालों ने शपथ ग्रहण के साथ वचनबद्ध हुए हैं अपने अपने कार्य को निर्वाहन करने के लिए तत्पर रहेंगे, और हम लोग अधिवक्ता संघ के सदस्यगण हैं और हम लोग भी इन लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके इनके कार्यों में बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और संघ को वो शिखर पर ले जाएंगे जहां पर हिंदुस्तान के नंबर 1 संघ का नंबर 1 में नाम काउंटिंग करवाएंगे। यही मेरी उम्मीद भी है और हम लोगों का साहस भी है कि हम लोग कानून के रखवाले हैं, कानून के रखवाले को के साथ चलेंगे और कानून के साथ चलेंगे। हर इंसान को, भटकते हुए इंसान को कानून का जो होगा उनका वो दिलवा करके रहेंगे, और संघ के साथ अध्यक्ष, सचिव, महासचिव के साथ सहयोग करके आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा नाम मिस्टर आज़ाद आलम हुआ, मैं अधिवक्ता संघ बार काउंसिल बटमनखी का सदस्य हूँ और अधिवक्ता संघ के बटमनखी का रहने वाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शपथ ग्रहण में क्या अच्छा रहा और कैसे कैसे कौन कौन से पद के लिए सभी को उसका सर्टिफिकेट मिला? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव प्रभारी जो थे बिल्कुल निष्पक्ष होकर के चुनाव करवाए, और चुनाव पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज अध्यक्ष के लिए, महासचिव के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए जो है प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, और सभी जीते हुए प्रत्याशी शपथ ग्रहण दिए किए। परिचय सर। कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, अधिवक्ता संघ बनमनखी। बहुत बहुत धन्यवाद।